أمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة تمام تعريف القسم كبرائي والكبرياء सल्ला तबारक के लिए है जो अल्लाह ताला खालक मालिक रज़क महबूद हकीीक़ी है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ जो अल्लाह ने नहीं चाहा वो नहीं हुआ वही होता है जो अल्लाह ताहता हैल्लाहमदही सफ़ान अल्लाम सलातम हुए उसके बादल के आखिरी नबी इमामबिया

अक़ीद की अहमियत और उसका मुकाम मज़्ज़ तलबा वालबात अल्लाह के फल वक्रम से मुस्तवल हमने ख़त्म कर लिया लेवल वन जिसमें अक़ीदे की बड़ी बुनियादी अहम बातों को हमने पढ़ा उसका फिर मुराजा भी हो गया और इनशा वह भी आइंदा सैटरडे ने कल जो हफ्ता ही है ये नहीं इसके बाद वाला हफ्ता इस तरह का प्रोग्राम भी तय हो चुका है नेक्स्ट वीक इनशाला और गेट टुगेदर प्रोग्राम होगा रखला तरफी ही या दावी या होगा एक दावती सफर इनशा वेदनिल्ला सफर ना कहे इस तरह जदि में है अलहमद तो चूँकि अवल ख़त्म हो गया था प्रोग्राम तो हमारी नीयत ये थी या हमने ये चाहा था कि इसी हफ्ते आज या कल ये प्रोग्राम हो जाए लेकिन अल्लाह तला ने उसको आज या कल के लिए नहीं लिखा और जो अल्लाह ने लिखा है वही होता है तो आइंदा हफ़्ता इनशाला प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा दिन तय है हफ्ते का दिन इनशा तो बाकी तफसलत आप तक इनशाला बहुत जल्द पहुँचा दी जाएंगी तो हमने मुनासिब समझा कि आज की ये क्लास मुख्तसर तीनों सब्जेक्ट्स के मुतालिक कुछ बातें आपकी ख़िदमत में मुख्तसर पेश करें क्योंकि हमारी दावा टीम की एक ज़रूरी मीटिंग भी होने जा रही है इनशाला आज ही तो अकीदे की अहमियत देखिए आपने अकीदा पढ़ा ये अकीदा अख्राम बयान फरमाते हैं कि इस्लाम जो शरीयत है दीन है उसके दो हिस्से हैं शरीयत के दो पार्ट हैं एक अकीदा है एक अमल है, है कुछ चीजों का ताल्लुक अकीदे से है कुछ चीजों का ताल्लुक अमल से है और दोनों जरूरी हैं अकैदा भी सही हो और अमल भी सही हो अदा अगर खराब हो जाए तो अमल कबूल नहीं होगा और अगर अकीदा सही है अमल सही नहीं है तब तो भी इंसान नुकसान में और खसारे में होगा लिहाजा दोनों चीजों की यानी दोनों चीजों की इसलाह जरूरी है असलाहदा इस्लाह उमल दा बहुत इंपॉर्टेंट है पैगम्बरों की बेहसत हुई है आसमान से किताबें उतारी गई हैं और हर कौम और मिलत में एक रसूल को जो भेजा गया उसकी है उसकी वजह यही है इंसानों को पैदा किया गया इस्लाम की बुनियाद रखी गई अकीदे पर बहुत ज़रूरी है अकीदा क्योंकि ये देखिए आप अकीदे को अगर आप और करें पूरी लाइफ से इंसान का ताल्लुक होता है सोच प्लानिंग नीयत प्रैक्टिकल ठीक है तैयारियाँ हर चीज़ का ताल्लुक अकीदे से है हर चीज़ का ताल्लुक आप देखिए जिंदगी में इंसान को इंसान की ज़िंदगी में कभी नेमत मिलती है तो कभी तकलीफ होती है तो ज़रूरी है कि वो जो है उसका अक़दा सही हो। सही होगा तो नेमतों का एतराफ़ करेगा कि अल्लाह की जानब से है और नेमतों पर खुश होगा शुक्र बजा लाएगा और हक अदा करेगा उसका अल्लाह की ताद बहुत ज्यादा कर लेगा और अगर तकलीफ हो तो उस पर सब्र करेगा क्योंकि तकदीर पर उसका ईमान और अकीदा है और हकूक़ अदा करेगा लोगों के बीवी शौहर के शौहर बीवी की माँ बाप के बच्चे बच्चे माँ बाप अपनी औलाद के हकूक़ रिश्तेदारों के हकूक ये सब अदा होंगे कब जब इंसान का अकदा सही और हो दुरुस्त होगा इसीलिए इसकी तरफ खास तो देनी है जिंदगी में जो भी परेशानियां मुसीबतें आती हैं सब्र करता है क्योंकि उसका अकीदा है कि तकदीर है बातें करता है बैठता है में तो वो ये बातों में ये गौर करता है कि क्या मैं करूं जिससे मेरा रब खुश होगा क्या मैं बोलूं किसी को अगर हंसाएगा भी तो अल्लाह को राजी करने के लिए हंसाएगा किसी के दुख में किसी के तकलीफ में उसका साथ देगा तो अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी लाइफ का ताल्लुक है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिहाजा तो इस तरफ खास तो देनी चाहिए और अकीदे को ठीक करना चाहिए हमने अकीदे में बहुत अहम चीजें पढ़ी हैं बिल्कुल बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं जैसे वहीद तो वहीद तो तो की किस्में शिरक शिर की मिसालें शस्में और ईमानत और इस्लाम के पांच अरकान ईमान के छह अरकान बुनियादी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं और सिलसिला इंशाल्लाह जारी है ईमान तो भी नहीं पढ़ा हमने ईमान के अरकान वगैरह नहीं पढ़े तो दूसरे लेवल में आएंगे इंशाल्लाह बता बताने का मकसद ये है कि बहुत थोड़ा बहुत मख्तसर हमने लेवल वन में पढ़ा है लेवल टू में मज़ीद बातें आएंगी इंशाल्लाह और आपका जज्बा और बढ़ना चाहिए दीन की तलीम को लेकर स्पेशली अकीदे की तालीम को लेकर क्योंकि ये, असास है। ये असास है। मैंने एक एक आयत पढ़ी जिसमें आयत में अल्लाह ने इस बात को बयान फरमाया आपसे पहले नबी महम्मद ने जितने पैमरों को भेजा सबके तरफ यही वही की कि मेरे सिवा कोई सच्चा महबूल नहीं है तो मेरी इबादत करें तमाम पैगम्बरों की तरफ यही यही दावत दी गई तमाम पैगम्बर को।, को यही वही की गई और वो अपनी अपनी कौमों तक तो यही दावत पेश है कि के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है तो फिर एक अल्लाह की इबादत की जाए उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मैंने पढ़ी आपके सामने जिस हदीस में नबी फरमाते मन मात वो मन मौत अगर इस हालत पर हो जाए कि इंसान मानता था इंसान को पता था कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा सचू नहीं है वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा मतलब पर मौत जन्नत का जन्नत की जमानत है इतनी बड़ी चीज है लिहाजा अकीदे की बहुत सारी किताबें हैं बहुत सारी जो है दुरुस्त हुए हैं और मैंने बड़ी खिदमत की है अकीदे के चैप्टर में मुस्फीद हों आप करें पढ़ें जितना ज़्यादा शगर इससे मोहब्बत रखें अक़ीदे से तालीम से उतना छा होगा जितना पढ़ सकते हैं जितना समझ सकते हैं समझिए पढ़िए अकीदे की डिटेल्स हैं बारीकियाँ हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सके और पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत अकैदा हमारा हो जाए जब हम इसकी तलीम हासिल करें और इसको और इसकी तरफ खास तवज्जो देंगे तो ये मुख्तसर तो कुछ जरूरी बातें अहमियत की के की और अल्लाह ताला ने और क्यों ना पढ़ाए क्यों ना इल्म हासिल करें अल्लाह का हुक्म है का इल्म हासिल करो तो हम क्यों ना इम हासिल करें ला है ला है जब हमें इसकी तालीम दी गई है और इसका हुक्म दिया गया है अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मेरे दिल में अकीदे की अहमियत को उजागर करे और ज्यादा से ज्यादा अकीदा सीखने समझने पढ़ने की अल्लाह ताला हम सबको तोफी दे आमीन आखरदी मुख्तर सदर मुनासिब समझा हमने कि आपकी ख़िदमत में पेश करें अदे के मुतालिक इंशाल्लाह एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद इंशाल्लाह मैं शस मिनट का ब्रेक ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट छोटे से काम है इंशाल्लाह दस मिनट का ब्रेक है उसके बाद इंशाल्लाह हम आपकी ख़िदमत में फ्र को बयान करेंगे जो हमने पढ़ा था उसके बारे में चंद बातें और कुछ अहमियत के मुताबिक कुछ बातें इन अलहमदल रब्न वसलत रसोल अमीन अम्मा बैद अलहदुल्ला त फ वक़रम और उसकी तोफ़ी से हमने फ़ि के लेवल वन को कम्प्लीट तो किया जिसमें हमने फ़िकी अहमियत फ़िक का मुकाम और तहारत के मसाइल वज़ू और नमाज के मसाइल हमने पढ़े फ़िकी इंसान की, की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है फ़िक मतलब होता है कि दीन को सही तरीके से समझना अगर आपने दीन को सही समझा है तो आपके लिए अमल करने में दीन पर आसानी होगी और अगर सही नहीं समझा है तो फिर अमल करने में मुश्किल होगी लिहाजा हम अच्छी तरीके से अल्लाह के दीन को दलाइल की रोशनी में समझने की कोशिश करें मयूरी दिल्ल बिही खैरन फ़क्न अल्लाह तला जिसके लिए भलाई का इरादा कर ले अल्लाह उसको दीन की समझ अता करता है लिहाजा सही समझ हासिल करने के लिए इंसान अल्लाह के दीन को सही समझे अहले इल्म से रजू होकर किताब सुन्नत के अहकाम को फिक् तल्लक आपको याद होगा हमने पढ़ा था अहकाम दो किस्म के अहकाम से थे अहकाम इबादात अहकाम इबादत के अहकाम तहारत है गसल है नमाज़ है रोज़ा है ज़क़़ात है कुर्बानी है इनके अहकाम क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से है आज जुमा है आज हम नमाज़ पढ़ेंगे कल भी हम नमाज़ पढ़ते हैं नमाज से पहले हमको वजू करना रहता है जुमा का दिन है गसल करना रहता है तो इनके अहकाम को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सही तरीके से करें और किसी किस्म की कोताही या किसी किस्म की गलती ना हो बज़ गलतियाँ ऐसे होते हैं जो इबादत को बातिल कर देते हैं बालतियाँ ऐसी होती हैं जो इबादत में कमी वाकई कर देती हैं लिहाजा अपनी इबादतों को बातिल होने से अपनी इबादतों में नुख्स और कमी होने से बचाने के लिए ज़रूरी है समझ बड़ी अहमियत है इसकी आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप देखें दीन के नाम पर कितनी गलतियां होती हैं अहकाम को नहीं समझा गया मामलादारियां होती हैं निका तला खुला बहुत सारे बियु, बियु, आ, खरीदो फरोख्त तजारत हैं उनमें गलतियाँ क्यों हो रही हैं इसलिए कि सही तरीके से उनको नहीं समझा गया है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से अल्लाह के दिन को समझें फ़िक हमारे पास हो जिसको कहते हैं तफक्को फिद्दीन ख़वारिज दिन को नहीं समझे सही जज्बात में आए अपने आप को उन्होंने दीन से खारिज कर दिया साहबा रदी अजमैन की जिंदगियां थी उसके बावजूद उन्होंने जो है दिन को सही तरीके से नहीं समझा अपने अकल से अपने राय से दिन को समझा और तकफीर जैसे खतरनाक इन्हें काफिर बोलना किसी को काफिर समझना ऐसी चीजों में पड़ गए और खुरश किया हजरत ऊस्मानदल के कतिल बने रही है देखिए का कत्ल किया इन लोगों ने इंसान दीन को ना समझे तो किस लेवल तक चला जा सकता है किस दर्जे तक पहुंच सकता है और कैसे तबाह और बर्बाद हो सकता है इसीलिए अल्लाह के दिन को सही समझना बहुत बहुत जरूरी है हमने तहारत के मसाइल पढ़े तहारत के मसाइल में जो है वजू पानी वगैरह चीजें हमने पढ़ी पानी पाक भी होता है ना भी होता है इंसान को इन तमाम चीजों का इल होना चाहिए और पानी डेली यूज करने वाली चीज़ है वजू हम करते रहते हैं वज़ू वजू में फ़र्क़ हमने बताया था वजू को बातिल करने वाली चीज़ें वजू से ये सब चीज़ें हम याद रखें क्योंकि प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में डेली हो रही हैं ये चीज़ें तो कभी वज़ू में गलतियाँ ना हो और वज़ू के शुरू तरकान को सब सुनतों को मद्देनज़र रखें इसी तरीके से नमाज नमाज के अहकाम हमने पढ़े तफसील के साथ नमाज को बातिल करने वाली चीज़ें नमाज के अरकान नमाज के वाजिबात नमाज की सुन्नतें ये तमाम चीज़ें पढ़ी उसको हम याद रखें और अमली जामा पहनाएं और दूसरी ज़रूरी बात कि इसको दूसरों तक पहुंचा जैसे आप पढ़ रही हैं यहाँ या आप पढ़ रहे हो यहाँ तो जो ख़वा यहाँ पढ़ रही हैं क्लास में वो दूसरों खतानी तक पहुंचाएंगे तो इल्म उनका महफूज हो जाएगा क्योंकि आपने समझा अब आप तो दूसरी खातिर को समझेंगे अपनी जो अपने आपके सराउंडिंग आपके अतराफ में जो आपके घर में रहने वाले हैं आपकी बच्चियाँ हैं आपकी सहलियाँ हैं आपकी बहनें हैं उनको आप बताएं देखो वज़ू का ये मसला है, नहीं इससे वज़ू नहीं टूटता नहीं इससे ये होता है ऐसे होता है तहारत का ये मसला है वसूल का ये मसला है ठीक है नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए ये ऐसे नमाज़ पढ़ना गलत है ऐसे हाथ उठाना गलत है ऐसे रुको गलत है तो गलतियों से उनको जो है आपको दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इंसान अगर सही अल्लाह के दिन का जो है फ़िकिल करे ठीक है इसी तरीके से अः फिक्र में एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आप मुरादुल्लाह को समझे कि यह हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है तो इसका क्या मतलब है प्यारे प्यारेम ने यह हुक्म दिया है ऐसे किया है तो क्यों किया है ऐसे अहकाम जो आपने प्रैक्टिकल अमल किया है ना इबादत की मामलात की तो उसमें जो है मुराद को समझना बहुत जरूरी है मुराद मुराद नहीं समझेंगे तो फिर मसले होंगे बहरहाल और फि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो बिल्कुल मैंने कहा दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं फ़ि में लेवल वन में लेवल टू में और चीज़ें आएंगे। लेवल वन में हमने जो है तारत और नमाज के मसायल पढ़े लेवल टू बहुत इम्पोटेंट है और लेवल थ्री भी है उसके बाद तीन लेवल से तो ये आप पढ़ लें इन मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी और जो ज़रूरी बातें हैं दिन की वो भी आपको हासिल होंगी इन शा से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताली सही दीन की सौ देखिए दीन सबको मालूम है लेकिन सही समझ किसी के पास नहीं है दिन की दीन मालूम तो है लेकिन दीन की सही समझ होना बहुत जरूरी है इसीलिए जो है ये कोर्स करवाया जा रहा है और आपको ये बात बताई जा रही है कि आप कोर्स करें इन अल्लाह तला मुझे और आपको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को अल्लाह के दिन को सही समझने की तोफ़ी फरमाए आमीन याब इसके बाद मैंने कहा ना कि कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से हम ये मुख्तसर को क्लासेस आपके सामने रख रहे हैं Uh, अगली जो है हदीतें हैं हदीसें हमने बहुत पढ़ी थी हदीस का घंटा हदीस हमने लेवल वन पूरा कर लिया अलहमदिल्ला काफ़ी हदीसें हमने पढ़ी और हदीसें भी आपने आपको याद होंगी या जरूर याद होंगी अलग अलग चीज़ों से बाज़ हदीसें अखलाक से ताल्लुक है बाद हदीतें आदाब से ताल्लुक है अखलाक कैसे होने चाहिए मुसलमान के हदीतों में बयान किया गया, गया। और है और मसाइल जो लिए जाते हैं ना सोर्स ऑफ दीन जो है कुरान और हदीस है तो हदीत वन ऑफ़ द सोर्स ऑफ दीन है, तो है, तो है, तो है तो लिहाजा हदीस आप पढ़ेंगे तो जहाँ जो सोर्स आप पढ़ रहे हैं मस्दर जिसको कहते हैं वो आप पढ़ रहे हैं हदीसों को याद कीजिए जिन्होंने याद नहीं किया है ताकि जो है आ, मुकम्मल करने में आसानी हो लिखने में आसानी हो इम्तिहान में और हदीसें याद रहे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा खाते थे नबी वसलम ने ऐसे कहा नबी वम ऐसे करते थे ये आपने बयान फरमाया अखिला के बारे में आदाब के बारे में आपने ये बयान किया नीयत के बारे में आपने ये हदीस शरीफ में बयान किया है बहुत सारी हदीसें हमने पढ़ी गुस्सा नहीं करने के बारे में नबी ने ये बयान फरमाया है तो बहुत सारी हदीसें हैं माशादुल्ल के फल क्रम से और लेवल टू में भी आएंगे लेवल थ्री में भी हदीसें आएंगी इनशा लिहाजा आप तलबा तलबात से खसूस दरख्वास करता हूँ मैं कि हदीस को ज़रूर पढ़े आपके पास टाइम है देखिए पूरा हफ्ता आपके पास है हम जो है जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट वीक जो है हम जा रहे हैं और वो भी सैटरडे को जा रहे हैं इन शीक है तो हम जो है आपके पास इतना एक हफ्ते का पूरा टाइम है और अलहमद ला खान साहब को उन्होंने अब तक हामिद भाई खान साहब इन्होंने अब तक पहुंचा भी दिया है या उसको जो है आप क्या कहते हैं मुता करें मुझरा करें स्टडी करें ताकि आसानी हो जाए इन ताकि आसानी हो जाए इसी पर मैं रोकता हूँ इन फिर इनशा अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे अल्लाह तला से दुआ है अल्लाह ताली अकीदे को समझना उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हम सबके लिए आसान फरमा दे और फैक् को जो है दीन की समझ अल्लाह ताला हम सब को दे और हदीसें याद रखने की और प्यारे नफ्सों की प्यारी प्यारी हदीसों को समझने की और हदीस पर अमल जो कि वाजिब है ना कि राय पर अमल होता है इसकी भी अल्लाह सब को तो अच्छा आमीन इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ माजरत के साथ थोड़ा सा मसरूफियात है मैंने जैसा कहा ना कि जिसकी वजह से हम यह मुख्तसर क्लास हमने रखी है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग के तौर पर ना होने से बेहतर है कि हो जाए और कुछ बातें चाहे एक जुमला भी क्यों ना हो